अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट, साथ में जुबी का भी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था सुबह से ही, लेकिन हम लोग उठे नहीं थे तो अभी उसको ब्रेकफास्ट दिया है और वो अभी खेल रही है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से मैं यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था पनीर टिक्का को, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और देखे पूरी किचन की हालत भी ख़राब हो रखी है क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दबाजी में खाना बनाना पड़ा। और मैंने आज पहली बार खान भी बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसकी वीडियो शूट करूँगी, लेकिन इतनी फटाफट से मुझे खाना बनाना पड़ा ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आ गई थी तो इसीलिए मुझे बनाना पड़ा, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो सिस्टर ने हेल्प कराया था, बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए थे तो सारा बर्तन सिस्टर ने वॉश किया था। और यहाँ पे मैंने पनीर टिक्का रेडी कर दिया था और मैं और सिस्टर बैठ करके यहाँ बारी बारी से पनीर टिक्का खा रहे, ताकि किसी को भी एक्स्ट्रा पीस ना चला जाए। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब एक ही फॉक लेके आए थे, नहीं तो फिर ऐसा होता ना कि तुमने ज़्यादा खा लिया, मैंने कम खा लिया। ये सिबलिंग थिंग्स हैं, ये होती ही होती हैं। आप भी अगर अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ ऐसी कोई बिल्कुल बराबरी वाली बात करते ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो लाजिम से ऐसा होता है। उसके बाद ना हो गया था लंच टाइम, तो यहाँ पे अम्मी की तबीयत दुरुस्त नहीं तो इसलिए अम्मी ने लंच किया नहीं था। बाकी हम लोग बैठे लंच करें, यहाँ पे मैंने खान भी बनाई थी, मुझे इससे एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको काफ़ी पसंद आए खान भी। और ये रहा मेरा लंच, और मैं अलग से व्हाट आई ईट इन अ डे भी शूट करती हूँ तो वो भी आपने लाजम से चेकआउट करना है। जो मेरा वेट लॉस चल रहा है तो सारा सब कुछ जो मैं खाती पीती हूँ वो उसी में होगा, तो आपने लाजम से देखना है। और ना अब हलवे की तैयारी तो कल हम कर चुके थे, कुछ आज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने कल ना दाल अम्मी ने बॉईल कर दी थी, एक रात पहले सोक करके बॉईल कर दी थी। उसके बाद मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया था और अम्मी ने दाल को रोस्ट कर लिया था, सुखा लिया था थोड़ा। तो हमने तो दिन में ही सारा सब कुछ कंप्लीट करने का सोचा था, लेकिन ना इस टाइम पे लाइट नहीं आ रही थी। अम्मी ने मुझे काम दे दिया था ड्राई फ्रूट वगैरह कट करने को और कोकोनट को ग्रेट करने को, लेकिन मैंने ये सारा काम तो कर लिया लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तो बची कुछ जो ग्राइंडिंग का काम था वो रुक गया था। और अम्मी बताती कि जब नानी हमारी हलवा बनाती थी ना तो वो सारा सिलबट्टे पर ही अच्छे से मैश करती थी, अच्छे से ग्राइंड करती थी। वो तो मतलब सुन के ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे कर लेती थी। यहाँ तो ग्राइंडर में ग्राइंड करने में ना आलस आता, लेकिन नानी हमारी सारा सब कुछ ना सिलबट्टे में ही ग्राइंड करती थी। और वैसे तो हम लोग कभी भी नहीं लाइफ में कर पाएंगे, तो लाइट आ नहीं रही थी तो मैंने ना उठा करके अम्मी ने सब कुछ रख दिया था। जब लाइट आई है ना शाम को तकरीबन 6-7 बजे का टाइम हो रहा होगा, तब मैं आ गई थी फिर से किचन में और अम्मी भी चली आई थी चूल्हे के पास। और यहाँ पर बची कुछ जो ग्राइंडिंग का काम था वो मैंने कम्प्लीट किया, बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना लिया था ताकि ना ये अच्छे से केमाम में मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी फुदकी ना रहे जो बॉल्स होती छोटी छोटी। और ये मैंने अम्मी को ग्राइंड करके दे दिया है। दो मतलब अलग अलग तरह की दाल थी, मतलब दाल तो सिर्फ चने वाली थी, एक में थोड़ा सी ज़्यादा पानी हो गया था, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर था जिसको अम्मी ने कल बहुत ज़्यादा रोस्ट कर लिया था तो वो थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई थी। और इसमें कम मॉइस्चर था, मतलब ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हुई थी कल भी और आज भी, और ये कुछ येलोइश कलर की आपको दिख रही है। तो अम्मी ने किमाम बनाए यानी शीर बनाई थी, उसी में इसमें डाल दिया था, और चाशनी बनाई थी। तो सारा सब कुछ ना चने की दाल जितनी भी ग्राइंड करी हुई थी सारा इसमें डाल करके अच्छे से तो मिक्स कर दिया था। और ना वो जो ज़्यादा रोस्ट हो गई थी वो अभी रखी हुई है, अभी इसको भी बनाएंगे। और यहाँ पे प्लेट में सारा सब कुछ मटेरियल लगाने का काम सिस्टर ने किया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी वगैरह, और यहाँ बैठ करके खा भी रही है ये लड़की। और अभी देखें यहाँ पे बन रही है हमारे हलवा। मतलब पहले तो बहुत हम लोग बनाते थे, अम्मी बनाती थी चावल का, सूजी का और चने की दाल का, लेकिन अभी कुछ टाइम से बिल्कुल ही नहीं बन रहा था हमारे घर में। और अम्मी को ना फिर से वही फ्लेवर लेने का मन किया तो अम्मी ने बना दिया। और मुझे तो वैसे इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्वीट लवर नहीं हूँ। छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, अम्मी इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खाले लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, मुझे स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। स्वीट की बात करें तो डेरी मिल्क मुझे अच्छी लगती है,
मतलब मीठे में चॉकलेट्स मुझे पसंद हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मोतीचूर के लड्डू, बाकी कुछ ऐसा जैसे रबड़ी है, रसमलाई है, गाजर का हलवा है, मैं मुझे कभी क्रेविंग नहीं होती, मैं कभी नहीं खाती हूँ, तो मैं एक पूरी तरीके से स्पाइसी फूड लवर हूँ। यहाँ पे ना सब हलवा जो गरम गरम सा था, अम्मी ने यहाँ पे थाल में निकाल लिया था, और इसको ना अच्छे से हम फैला देंगे, और ये इतना ज़्यादा गर्म था, इसको फटाफट से सेट करना होता है, नहीं तो ना ये फिर से अगर हार्ड हो गया एक बार तो फिर से सॉफ्ट नहीं हो सकता। तो फटाफट से ना यहाँ पे सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, कुछ इस तरीके से प्लेट से ना इसको करना था, लेकिन सिस्टर अच्छे से डैब डैब कर नहीं पा रही थी, फिर अम्मी ने ही करके बताया और अम्मी ने ही पूरा हलवा सेट कर दिया था। देखने में तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही हार्ड लगता है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कभी मैं लाइफ में ये सारी चीज़ें बनाऊंगी भी, लेकिन हाँ अगर कोई मुझसे फरमाइश करेगा तो शायद मैं बना दूँ, क्योंकि अम्मी को तो देखा ही है, साथ में मेरी वीडियोस भी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक कि मेरा चैनल और ग्रो कर जाएगा, और आप लोगों की रिक्वेस्ट अगर आई कभी लाइफ में तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी ना ये कुछ येलो टाइप वाली जो दाल थी, मतलब चने की दाल ही थी, लेकिन इसको कम अम्मी ने रोस्ट किया था तो ये बिल्कुल येलो थी, तो इसका हलवा बनाया था। नेक्स्ट ना जो थोड़ी सी ब्राउन कलर की दाल थी, जिसको ज़्यादा रोस्ट कर लिया था, उसका कलर ब्राउन हो गया था, तो उसका भी अम्मी ने हलवा मतलब ऐसे सेट कर लिया था थाल में पूरा। और अभी ना इस पर कटिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर देखें हम इसे बिल्कुल काजू कतली वाली कतली के तरीके कट कर लेंगे, अच्छा से शेप दे के, डायमंड शेप दे के। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, जब मम्मी कट कर रही थी तो हम लोग बहुत गौर से देख रहे थे। अच्छा तो यहाँ पे हमारा हलवा वगैरह बन गया था, उसे हमने धूप में नहीं, मतलब शाम का टाइम हो रहा था तो धूप में कहाँ से रखेंगे, फ़ैन ऑन करके ना तो रख दिया था हमने रूम में, ताकि थोड़ा सेट हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए, वैसे हार्ड होता नहीं वाला हलवा। और यहाँ पर देखिए हमने ब्लिंकिट से अर्जेंट ही जुबी का खाना वगैरह ऑर्डर किया था, और ब्लिंकिट ने अपनी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की कर दी, वहीं यहाँ पे सिस्टर दिखा रही थी, तो हमने तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट ही जुबी का खाना ऑर्डर करते हैं अर्जेंट, हमने पहले से ही मीशो पे ऑर्डर कर रखा है, लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं पार्सल, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लेट करते हैं, जब भी हम जुबी का कोई सामान मंगाते हैं ना इतना लेट होता है कि क्या ही बताऊँ आपको। तो काफ़ी टाइम पहले हमने ऑर्डर किया था, अभी तक ऑर्डर हमें रिसीव नहीं हुआ, ना दूर तक कि कोई ऐसा है कि अभी आएगा तभी आएगा, और यहाँ पे इसलिए हमें ब्लिंकिट से जुबी के लिए अर्जेंट फूड मंगाना पड़ा, तो हम उसको जेली फूड और चिकन ग्रेवी फूड देते हैं, वैसे वो इतना खाती नहीं ना, लेकिन अब मंगाना तो लाजिम होता है, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाएगा जुबा। शाम का स्नैक्स का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे पापड़ बना लाई थी, और थोड़ा अम्मी और सिस्टर को ज्वाइन किया, मतलब मैंने बहुत सारे नहीं खाए थे, बहुत ही एक एक उठा के मैं खा रही थी, आप तो देख ही रहे होंगे, और चाय भी अपने लिए नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें शुगर होती है, और इतनी ज़्यादा चाय मुझे पीनी भी नहीं ना, और मैं चाय सिर्फ सुबह के टाइम अभी पी रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा स्नैक्स टाइम हो गया था, हम लोग स्नैक्स कर रहे थे तकरीबन 7 बजे, ये रात का टाइम हो रहा है, हमने इसको फैन में रख दिया था काफ़ी देर तक के, तकरीबन 2 घंटे के लिए, और अभी देखे यहाँ पे हमने इसके पीसेस निकाल लिए हैं, और ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल डायमंड शेप में निकाले हैं, जुबी बैठ के देख रही है, और हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी इसे देखने में, तो हम लोग भी बैठ करके देख रहे थे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।